हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बहुत दिन के बाद शिक्षा में भाई बहनों के लिए बहुत ही खुशी की न्यूज आई है, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर कर लेना चाहिए। तो क्या न्यूज है? पहले तो न्यूज में ये था कि मूल तैनाती स्थान पर 5 तक वापस होंगे शिक्षा मित्र, और इसी के संस में आज जारी हो चुका है शासनादेश। तो ये देखिए, ये जो न्यूज थी, मूल तैनाती स्थान पर 5 तक वापस होंगे शिक्षा मित्र, ये था। देखिए, मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी किया गया शासनादेश। अब ये शासनादेश जारी हो चुका है, मतलब ये न्यूज एकदम कंफर्म हो चुकी है। आप लोग अपने मूल तैनाती वाले स्थान पर जा सकते हैं। जब तो परमानेंट नियुक्ति हुई थी तब सही था कि आप थोड़े से दूर हैं तो आपका एडजस्टमेंट अच्छे से हो जाता था, लेकिन जब से फिर से ये 10,000 का मानदेय हो चुका तो वहां पे थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और ऊपर से घर परिवार से दूर। तो बहुत ही खुशी की बात है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत दिन के बाद तो शिक्षा में भाई बहनों के लिए एक अच्छी सी न्यूज आई है। तो ये देख लेते हैं न्यूज। अरसे से अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में वापस जाने की वाट जो रहे, प्रदेश के 1,37,000 शिक्षा मित्रों की हसरत पूरी होने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा मित्रों को उनके मूल तैनाती के विद्यालय में वापस भेजने का शासनादेश गुरुवार को जारी कर दिया है। शासन ने यह कार्यक्रम को उन पर वापस तैनात करने के लिए कहा गया। शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर बने रहने का विकल्प भी दिया गया है। शासनादेश में कहा गया कि यदि शिक्षा मित्र अपनी मूल तैनाती के स्थान वाले विद्यालय में जाना चाहते हैं तो उन्हें उस विद्यालय में तैनात कर दिया जाए। यदि मूल तैनाती के विद्यालय में अधिक शिक्षक तैनात है तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन अन्यत्र कर दिया जाए। और महिला शिक्षा मित्रों को अतिरिक्त विकल्प दिया गया है कि यदि उसी जिले में उनके ससुराल या पति का घर है और वे उस स्थान के विद्यालय में जाना चाहती हैं तो उन्हें वहां पर तैनात कर दिया जाए। ठीक है, ये रहा इनके बारे में थोड़ी सी जो महिलाओं के लिए सुविधा दी गई है। और यहाँ पे और इसके दूसरे साइड में है, ये था कि जब से इनकी नियुक्ति की गई है, कब से की गई है और किस लिए की गई थी। परिषदीय स्कूलों में वर्ष 2000 तक मानदेय पर शिक्षा मित्रों की तैनाती की गई थी। शिक्षा मित्र अपने गांव या पास के स्कूल में तैनात किए गए थे। वर्ष 2014 में शिक्षा मित्रों का शिक्षक पद पर समायोजन होने से उन्हें दूसरे विद्यालय में भेज दिया गया था, इस वजह से दूर चले गए थे। और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों को का समायोजन रद्द किए जाने के बाद शासन ने 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्र को उनके मूल पद पर वापस भेजने का आदेश जारी किया था। समायोजन होने के बाद शिक्षा मित्र अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में वापसी की मांग कर रहे थे। यह प्रकरण शासन स्तर पर लंबित था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। तो ये देखिए, शासनादेश में भी सेम यही बातें लिखी गई हैं। शासनादेश ये बहुत क्लियर नहीं है। हाँ, तो ये देखिए, अब यहाँ शासनादेश की जो मुख्य बातें हैं हम आपको देखा बता देते हैं, पढ़ के सुना देते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, तो हम चलिए आपको पढ़ के सुना देते हैं क्लियर क्या क्या दो पॉइंट लिखे हैं इसमें। तो विषय है शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में वापस तैनाती के संबंध में। फिर है क्या लिखा गया वो आपको हम पढ़ के बता देते हैं। ये देखिए, महोदय, शिक्षा मित्रों को उनके शिक्षक पद पर समायोजन के समय मूल तैनाती के स्थान से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त होने के उपरांत उनका मूल तैनाती के विद्यालय में समायोजन का प्रकरण लंबित था। और फिर इसमें जो पॉइंट लिखा है, उपरोक्त विषय के संबंध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सभी शिक्षा मित्रों को उनके मूल तैनाती के स्थान पर वापस तैनात कर दिया जाए। उनको यह विकल्प भी होगा कि वे अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर भी रह सकते हैं। यदि वे मूल तैनाती के स्थान पर विद्यालय में जाना चाहते हैं तो उन्हें उस विद्यालय में तैनात कर दिया जाए। यदि मूल तैनाती के विद्यालय में अधिक शिक्षक तैनात हैं तो उनका समायोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति द्वारा अन्यत कर दिया जाए। तो यहाँ पर जिलाधिकारी नहीं, और बीआरसी वारसी के लेवल पे अपने आप को एडजस्ट कर दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट इसमें ये है, देखिए थोड़ा सा क्लियर भी कम है, फिर भी आपको पढ़ते हैं। विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को उक्त के अतिरिक्त यह विकल्प भी होगा, इसके अतिरिक्त ये विकल्प होगा कि यदि उसी जनपद में उनकी ससुराल या उनके पति का घर है और वे उस स्थान के विद्यालय में जाना चाहती है तो उन्हें वहां पर तैनात कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी सुविधा है महिलाओं के लिए। ठीक है, और लास्ट में कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रत्येक दशा में 5 अगस्त से पूर्व पूरी कर ली जाए। तो ये रही थोड़ी सी खुशखबरी की बात है, बहुत दिनों तक तामझाम के बाद।
अब यहाँ पे देखिए इसी को मैंने थोड़ा सा अच्छे से दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है। फिर भी जो शासनादेश में था वो मैंने बता दिया, तो आप लोग तैयारी कीजिएगा अपने घर गांव वापस लौटने के लिए, और अपने परिवार के बीच में रहने का फिर से मौका मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भगवान करे जल्दी से आप लोग शिक्षक के पद पर फिर से समायोजित हो जाएं, और 68,000 जो रिजल्ट आने वाला है लिखित परीक्षा का वो जल्दी से आ जाए, और आप लोग जल्दी जल्दी से शिक्षक के रूप में फिर से समायोजित हो जाए, और जैसे कि अब की बार एकदम सॉलिड तरीके से फिर इसमें कोई तामझाम ना रहे, और अब की बार हो जाएंगे तो फिर फाइनल ही है। तो चलिए बहुत बहुत आप सभी को बधाई, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।